नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बांदा जिला उद्योग व्यापार मंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को भेजा ज्ञापन। दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर 5% अतिरिक्त GST लगाए जाने का किया विरोध। दाल चावल आटा आदि वस्तुओं में GST बढ़ाने से बढ़ेगी महंगाई। फैसला वापस न लेने पर उद्योग व्यापार मंडल 16 तारीख को करेगा देशव्यापी आंदोलन। कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला उद्योग मंडल ने सौंपा ज्ञापन। बांदा से लाइव टीवी समाचार के लिए नथु प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मेरा नाम विष्णु कुमार गुप्ता है, मैं गल्ला व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने आए हैं। किस समस्या को लेकर? हमारी समस्या नहीं है, प्रशासन ने 5% GST गेहूँ आटा दाल चावल शहद इस जो भी सामान दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं इनमें नया माननीय देश की वित्त मंत्री सीतारमन जी ने इसमें 18 तारीख से 5% GST GST काउंसिल में वो तय भी हो गया। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे आम जनता को बहुत नुकसान होगा, किसान को उसकी उपज का मूल्य कम मिलेगा। इसलिए हमारी मांग ये है कि इसको वापस लिया जाए। इसको कदाप 18 तारीख से नहीं लागू होना चाहिए। इससे जो आम उपभोक्ता है उसको चीज़ महंगे वैसे ही है। यूक्रेन रूस युद्ध में महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ जाएगी, इसलिए पूरे देश में अगर आज हमारे ज्ञापन की शर्तें नहीं मांगी गई तो हम 16 तारीख को पूरे देश में सारी गल्ला मंडियां, सारी दाल मिलें, तेल मिलें, सब बंद कर देंगे। किसको ज्ञापन दिया? ज्ञापन हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम माननीय सीतारमन जी जो हमारी वित्त मंत्री उनको ज्ञापन भिजवा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।